व्लॉग के फर्स्ट पार्ट में हमने नदी का पहला खूबसूरत हिस्सा देखा। अब हम पहुंचेंगे इस नदी को पार, यानी कि इस हिस्से को पार करके नदी का दूसरा हिस्सा देखने के लिए, लेकिन वहां पर अकेले जाना मना है अकॉर्डिंग टू विलेजर्स। शांत जगह है क्योंकि ये गांव से लगभग 5 किलोमीटर दूर है और एक नदी का किनारा है। यहाँ पर लगभग कोई भी नहीं आता, मतलब बहुत रेयरली लोग आते हैं यहाँ पर जब लोगों को मछली पकड़नी होती है, वो भी बहुत बड़े पैमाने में मछली पकड़नी होती है, ठीक है ना। बहुत रेयर आते हैं यहाँ पर लोग और चारों तरफ सन्नाटा है, दूर दूर तक कोई नहीं है। बस यहाँ पर एक कैमरा मैन है जिसने मेरा सस्ता कैमरा पकड़ रखा है, सस्ता कैमरा क्या, फ़ोन पकड़ रखा है ना। और क्या कहते हैं, और दूर दूर तक कोई नहीं है। आपको व्यू दिखाना चाहता हूँ, बहुत ही शांत, ऐसा मतलब क्या ही बताऊँ। मेरे शायद कैमरे पर पूरी क्लैरिटी ना आ पाए, लेकिन मैं हॉनेस्टली बता रहा हूँ कि यहाँ पर इतनी ज़्यादा शांति और मतलब आराम से बैठ जाओ तो बस जो कहते हैं जैसे नेचर कहते हैं, एक्चुअल में नेचर कहते हैं, जहाँ शांति कुछ नहीं दूर दूर तक। हालांकि यहाँ पर बहुत खतरनाक जानवर भी रहते हैं जो इंसानों को खा लेते हैं, है ना। इसका इसको यहाँ पर भगर्रा कहते हैं, ठीक है। वो दिखता अजीब टाइप का है ना, हालांकि यहाँ पर शायद ना हो और मैं एक लड़के के साथ हूँ तो यहाँ पर कुछ ऐसा होगा नहीं, खैर, है ना। और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ यहाँ पर व्यू कैसा है, ठीक है। नदी थोड़ी सी रुकी हुई है, बहुत ज़्यादा शांत है क्योंकि मुझे उस नदी से भी ज़्यादा डर लग रहा है, बहुत ज़्यादा शांत है। तो जैसे कि हम बचपन में डिस्कवरी चैनल देखते आए हैं कि जब भी नदी कोई शांत हो तो पानी में नहीं उतरना चाहिए क्योंकि वहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकती है, जैसे कि कोई ख़तरनाक चीज़ हो सकती है। पीछे देखिए वो क्या आ रहा है, सांप 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 सांप। क्या है वो, सांप, सांप है, कछुआ है वो, सांप है, दिख नहीं आ रहा, सांप पानी वाला कछुआ है भाई, सांप है। आप आ जरा पानी चला जाएगा वो नीचे शायद पास वहाँ से, देखो चला गया। अगर आपको दिखा हो तो वहाँ पर एक शायद सांप था या पता नहीं क्या था, वो मुंह बाहर था उसका, बहुत थोड़ा सा डरावना भी है। आपको जगह दिखा तो यार, ये देखो जगह देखो, बहुत ही ज़्यादा और सब चीज़ें कहते हैं, इतनी शांति ज़्यादा, बहुत 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 ज़्यादा शांति है यहाँ पर। इतना सुंदर लग रहा है ना यहाँ पर, वहाँ पर देखो बर्ड्स हैं, वो हमिंग बर्ड टाइप की दिख रही है वो, ये देखिए, नहीं हमिंग बर्ड तो नहीं है, वो तो ज़्यादा छोटी होती है, लग वैसी लग रही है, वो ब्लू बर्ड टाइप की नहीं होती, वो ब्लू बर्ड वो थी वो। खैर यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा शांति है, बहुत ज़्यादा शांति है। व्यू देखो आप, आई एम वन ऑफ द लक्की पर्सन कि मैं यहाँ पर हूँ इस समय पे, और मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा। यहाँ का व्यू मतलब क्या ही बताऊँ, पीछे वाला देखो, मतलब ऐसा लग रहा है कोई सीनरी का सीन हो यार, तू तो हट। ये देखिए पीछे का सीन देखिए, ऐसा लग रहा है कोई सीनरी का सीन हो, बहुत ही ज़्यादा औसम लग रहा है। दूर दूर तक तो कोई नहीं है यहाँ पर, और थोड़ा ख़तरा भी है यहाँ पर जानवरों का, बहुत ख़तरनाक जानवर रहते हैं यहाँ पर। आगे देखते हैं, ठीक है, बहुत मस्त जगह है, बहुत ज़्यादा। लगता है कि क्लैरिटी सही सी ना है इस कैमरे पे, बट जो मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ ना, जो मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ, ये सामने जो पेड़ आपको छोटे छोटे दिख रहे होंगे, बट मेरे सामने बहुत ही ज़्यादा विशाल है, मतलब क्या बताऊँ, कोई शब्द नहीं है, इतना सुंदर लग रहा है यहाँ पर। ऐसी जगह पर मेडिटेशन करना मतलब क्या ही बताऊँ, बट यहाँ पर खतरे से खाली भी नहीं है। कहा जाता है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा खतरनाक जानवर रहते हैं, काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है ना, जो इंसानों पे हमला कर देते हैं। ऐसी बात नहीं है कि यहाँ पर मतलब कोई इंसान ही नहीं आता, आते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखोगे ना पीछे की तरफ थोड़ा सा खेती भी होती है, इधर की तरफ खेती भी की जाती है, तो पर खतरा तो है। और ये नदी बड़ी शांत है, बहुत ज़्यादा शांत, चल भी नहीं रही है, थोड़ा गंदा पानी भी हो रहा है, और इसका रीज़न ये भी है कि पीछे की तरफ एक फैक्ट्री है ना, जिसकी वजह से पानी इसमें आता है। लेकिन ये जगह काफ़ी सुंदर है यार, वो सामने जाना चाह रहा था मैं, ये वाली जगह नहीं, यहाँ पर जाना चाहता था मैं, यहाँ पर इस जगह पर जाना चाहता था, लेकिन हुआ क्या, क्योंकि मेरे को मना कर दिया, क्योंकि शांत पानी है ना, तो और पता भी नहीं है इस नदी के बारे में, इस नदी के बारे में पता भी नहीं है कि कहाँ से कितने बड़े बड़े गड्ढे हो सकते हैं, बहुत बड़े बड़े मतलब दलदल सा भी हो सकता है ना पानी के अंदर, और है भी, क्योंकि इस भाई ने बताया जो यहाँ पर रहता ही है ना, कि यहाँ पर थोड़ा दलदल सा भी है, खतरा भी है इधर, और इधर मतलब अजगर जैसे सांप बांप भी सब कुछ है यहाँ पर।
तो कैसा लगा यार? अगर ये व्लॉग आपको जरा सा भी पसंद आया तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब मी।